हम अभी शहर में जा करके जमीन लेना चाहते हैं तो जितना जमीन हम देंगे उतना जमीन हम खरीद भी नहीं पाएंगे ना किसी कर पाएंगे। अगर यदि वायदे अगर झोपड़ी तोपड़ी खरीद भी लेते हैं तो मेरा आने वाला पीढ़ी के लिए इतना मैंने बुरा तरह से मैंने तकलीफ होगा। हम इसीलिए हम इस जमीन को देना नहीं चाहते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी जमीन रहेगा तो हमारा पीढ़ी आता जाता रहेगा लेकिन जमीन कभी नहीं सिराएगा और वह पैसा आज निकाल सिरा जाएगा, इसलिए हम जमीन किसी कीमत में नहीं देंगे। आप लातेहार जिला उपायुक्त को आवेदन दिए, आप कोर्ट भी घेरावा किए और कोर्ट के भी आपने आवेदन देने के लिए गए थे, तो आपके साथ यहाँ की प्रशासन ने कैसे व्यवहार किया? यहाँ के प्रशासन हम लोग मैंने जैसे आवेदन देने गए जैसे जल जंगल जमीन मैंने रक्षा के लिए हम लोग आवेदन देने गए, भाई हम लोग केस भी करते हैं तो सुनवाई नहीं होता है, आवेदन देते हैं उसको भी मैंने कहाँ रख देते हैं कोई सुनवाई नहीं होता है, इसलिए कोर्ट में हम लोग पूछने के लिए गए। पूछने के लिए गए हम लोग 11 बजे वहाँ चढ़ाए किए कोर्ट में, हम लोग को आश्वासन दे करके रुकिए भगत जी आप लोग का हो जाएगा, रुकिए भगत जी आप लोग को हो जाएगा, तब तक वो कहाँ कहाँ से मैंने मिलजुल करके रांची से फोर्स मंगा लिए और कंपनी से पूरा साठ गांठ किए और मैंने पानी छिड़कने वाला क्या बोलते हैं आंसू गैस उसको मंगाइए। अब हमारा जनता जितना ही था जेंट्स महिला सब मिल के उस जगह में रखा गया आश्वासन दे दे के, अब फिर बहस मैंने करना स्टार्ट कर दिया भाई आवेदन आप लगा नहीं लेंगे, इस तरह से इधर से कहा गया भाई क्यों आवेदन नहीं लीजिएगा। आपका कितने लोग वो आंदोलन में थे, लगभग कितने लोग आपके साथ थे? हम लोग कम से कम तो 500 आदमी से ऊपर थे। तो आपने कोर्ट घेरावा किया, कोर्ट के अंदर से आपका आपके पास जज आए कि नहीं आए? नहीं आया जज, नहीं आया, कहा कि वो है ही नहीं है, बाद में अंदर में फिर पूछताछ हो रहा है कि नहीं से अंदरे में है, वो अंदर में छुप के रह रहा था कोर्ट आए जज, बाद में फिर कह रहा है कि नहीं से है अंदरे में, जब ये वातावरण होने लगा तो अच्छा, वहाँ पर आपको आश्वासन दे दे के बार बार अधिकारी आश्वासन दे रहे थे आपको, आप रुकिए भगत जी आपका काम होगा, क्या आपको मारपीट करने के लिए ही उन्होंने आश्वासन बार बार दे रही थी क्या? हाँ यही सब वो लोग बना रहा था कि अभी रुकिए थोड़ा ये देर हो गया है,